गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए कल हमने पढ़े थे पशुओं के नाम। क्या था हमारा विषय कल? पशुओं के नाम व उनकी बोलियां। पशु माने जानवर। ये बच्चों हम कनक व्याकरण में पढ़ रहे हैं। वन वीक हम स्निग्धा में से पढ़ते हैं और वन वीक कनक व्याकरण में से पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जब भी मैं पढ़ाती हूँ इससे पहले मैं आपको बुक का नाम इसीलिए बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि हम पढ़ किस में से रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है पार्ट 11, गतिविधियाँ मीन्स एक्टिविटीज, पक्षियों के नाम। आज हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम जो उड़ते हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, ये। तो इसके बारे में जानकारी आज हम लेंगे। बच्चों पक्षियों की जो आवाज होती है, जो वो बोलते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो वो कैसे आवाज निकालते हैं? जैसे चिड़िया ची ची बोलती है, कबूतर गुटर गुटर गु इस तरह से बोलता है, और कोयल कुहू कुहू बोलती है। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। तो इनको भी बच्चों हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। आपको मैं चित्र बताऊंगी और उसके बाद उनके बारे में बताऊंगी और ये कैसे ध्वनि निकालते हैं ये बताऊंगी। पिक्चर से आपको आसान हो जाएगा समझना कि ये पक्षी कौन है और कैसा दिखाई देता है और ये कैसी ध्वनि निकालता है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे पक्षियों के नाम व उनकी बोलियां। इसे हम समझेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है ये, और इसमें एक एक पिक्चर को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पक्षी कैसा दिखाई देता है और ये कैसी ध्वनि निकालता है। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ कितने सारे पक्षी हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सर्वप्रथम देखिए बच्चों, स्पैरो गौरैया, यह एक घरेलू चिड़िया है। आपने इसे अपने घर के आसपास भी देखा होगा। यह अपना घोंसला पेड़ की दरख्त में, घर में, छत पर बनाती है और यह एक छोटी सी चिड़िया है। यह ची 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 की आवाज़ करके बोलती है। कॉक, इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं। यह कुकड़ू कू की आवाज़ निकालता है और इसके सिर पर एक देखिए लाल रंग की कलगी भी लगी हुई है। पिकॉक मोर, बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है और देखिए सबसे सुंदर भी है। इसके पंख रंग बिरंगे सबको बहुत सुंदर लगते हैं। इसके सिर पर देखिए, सिर पर कलगी बन रही है और यह क्यों क्यों की ध्वनि निकालता है और देखने में ये बहुत सुंदर होता है। पैरट, इसे हिंदी में तोता कहते हैं। ये टें टें कर बोलता है और ये हरे रंग का होता है। इसकी चोंच लाल होती है और यह हरी मिर्च और अमरूद खाता है। क्रो, हिंदी में इसे कौवा कहते हैं। बच्चों ये घर आपके घर के आसपास भी कभी आपको दिखाई दिया होगा। ये काव काव
की ध्वनि निकालता है और इसकी जो ध्वनि होती है वो बड़ी कर्कश लगती है, यानी सुनने में अच्छी नहीं लगती। स्वान, हंस। बच्चों, ये पानी में रहता है और यह सफ़ेद रंग का पक्षी है। ये देखने में मक्खन का गोला की लगता है। और इसमें बच्चों एक खासियत होती है कि ये दूध और पानी को अलग कर देता है। कोयल, कुकू। यह काले रंग का पक्षी, इसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। यह कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है और आम के पेड़ पर जब फूल आते हैं तब यह बहुत खुश होती है। बच्चों, इसके बारे में एक बात और है कि यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपने अंडे समझकर देखभाल करता है। और जब इसके पक्षी बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। बगुला, ये भी बच्चों पानी में ही रहता है और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मछली खाना पसंद करता है। डक, बतख। यह भी पानी में रहने वाला पक्षी है और यह बहुत तेज उड़ान नहीं उड़ता है, ये बस थोड़ी दूर ही उड़ पाता है। और इसकी आवाज़ क्वैक क्वैक इस तरह से आती है। वल्चर, गिद्ध। बच्चों देखिए, यह दिखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। यह मरे हुए जानवरों का मांस खाता है और यह बड़ा खतरनाक पक्षी है। काइट, चील। ये दूर से ही अपने शिकार को देख लेती है। बच्चों, मैंने आपको चील की कहानी सुनाई थी। ये अपना शिकार बहुत दूर से देख लेती है और उसे अपने पंजों में झपट कर ले जाती है। पिजन, कबूतर। इसकी आवाज़ बच्चों गुटर गू इस तरह से बोलता है ये। और यह इसे दाने खाना पसंद है। इसमें एक खासियत है बच्चों, ये पेड़ पर कभी नहीं बैठता। ये बिजली के तारों पर, दीवारों पर और दरख्तों में रहता है। तो बच्चों देखा आपने तरह तरह के पक्षी, उसके बारे में आपने जानकारियाँ ली। अब मैं असाइनमेंट में इनके नाम और इनकी बोलियाँ दोनों ही लिख कर दूँगी। आप उसे अपनी कॉपी में सुंदर साफ राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।